गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द गेम थ्योरी। अब आज की क्लास में क्या, लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव सीन, व्हाट डज गेम थ्योरी मींस एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर अ सिचुएशन टू बी कॉल्ड एज अ गेम थ्योरी। कि भाई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन को गेम थ्योरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स या क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होने जरूरी हैं उसके अंदर। दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, एंड वी हैव आल्सो सीन अ फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द गेम थ्योरी। राइट, व्हाट वी आर सपोज टू डू टुडे। नाउ आज जो हमें करना है, आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक गेम थ्योरी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि बेसिकली गेम थ्योरी जिस भी फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगी या स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जिस भी फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगी उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके कौन से एलिमेंट का, कौन से पार्ट का क्या मतलब है। यानी कि हाउ टू रीड द गेम थ्योरी, हाउ टू रीड द सिचुएशन एज अ गेम थ्योरी, उसको हम पढ़ेंगे कैसे। क्योंकि जब तक हम उसको पढ़ के समझेंगे नहीं कि किसका क्या मतलब है, तब तक हम उसका एनालिसिस करके उसका कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सीखना बड़ा जरूरी है कि भाई उसको हम पढ़ेंगे कैसे और किस टर्म का क्या मतलब निकलता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेम्स। गेम्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। व्हेन एवर वी आर सेइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेम्स, व्हाट डज दैट मींस, दैट मींस हाउ वन कैन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। तो गेम थ्योरी के अंदर हम दो तरह से किसी भी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरह कौन सी कहलाती है, एक कहलाती है नॉर्मल फॉर्म, एंड द अनदर वन इज एक्सटेंसिव फॉर्म। आज जो हम बात करेंगे वो नॉर्मल फॉर्म गेम की बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से जो फर्स्ट यूनिट में जिस तरह की गेम्स को हमें एनालिसिस करना है, जिस तरह के गेम्स को हमें समझना है, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है मार्टिन जे ऑसबॉर्न की जो बुक है, जो आपको रेफर की गई है आपके आपके कोर्स के लिए, जो प्रिस्क्राइब्ड है बुक, उस बुक के हिसाब से जो पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेम्स है जिनको एनालिसिस के लिए आपको गिवन है, क्वेश्चंस आएंगे जिसके या जो सब्जेक्ट में अवेलेबल है, वो नॉर्मल फॉर्म गेम अवेलेबल है। एक्सटेंसिव फॉर्म को हम आगे पढ़ेंगे जब नेक्स्ट यूनिट आएगी या जब भी उसका टर्न आएगा सब्जेक्ट के टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली नॉर्मल फॉर्म ऑफ गेम्स, कि हाउ द गेम्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले आता है कि भाई नॉर्मल फॉर्म गेम्स क्या होते हैं। नॉर्मल फॉर्म गेम्स को आप मैट्रिक्स फॉर्म भी कहते हैं, और इन्हीं गेम्स को बेसिकली स्ट्रेटेजिक फॉर्म भी बोला जाता है। हालांकि सभी गेम्स स्ट्रेटेजिक गेम्स ही हैं, क्योंकि सब में ही स्ट्रेटेजिकली ही आपको डिसीजन लेने हैं, बट इनके लिए स्पेसिफिक टर्म्स, ये जो गेम्स की रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए स्पेसिफिक टर्म्स हैं स्ट्रेटेजिक फॉर्म गेम्स। ठीक है, अब जब नॉर्मल फॉर्म या स्ट्रेटेजिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दीज आर द गेम्स रिप्रेजेंटेड इन द
टैबुलर फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कि जो नॉर्मल फॉर्म गेम्स हैं या स्ट्रेटेजिक फॉर्म गेम्स हैं या मैट्रिक्स फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, यानी कि ये टेबल की फॉर्म में गिवन होती हैं, और रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हम टेबल बनाते हैं कभी भी उसको हम रीड करते हैं टेबल को, तो वो रोज और कॉलम्स होते हैं उसमें, जिसके हिसाब से हम किसी भी पर्टिकुलर सेल को, किसी भी पर्टिकुलर आइटम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के हिसाब से उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो स्ट्रेटेजिक फॉर्म गेम्स है या नॉर्मल फॉर्म गेम्स है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, और इस तरह से किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि भाई किस किस तरह की सिचुएशंस हैं जहां पर नॉर्मल फॉर्म में गेम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या क्या पॉइंट ऐसे होंगे जो हमें कंसीडर करने हैं नॉर्मल फॉर्म गेम को, किसी भी गेम को, किसी भी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को। अब यहां तो क्वेश्चन होगा ना, जैसे भाई नॉर्मल फॉर्म में भी किया जा सकता है, एक्सटेंसिव में भी किया जा सकता है किसी गेम को रिप्रेजेंट, तो भाई नॉर्मल फॉर्म में कहां पर करें, एक्सटेंसिव फॉर्म में कहां पर करें, या क्या नॉर्मल को एक्सटेंसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक्सटेंसिव को नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। द आंसर इज, फॉर द टाइम बींग द आंसर इज यस, वी कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है, बट उसको आज हम करना नहीं सीखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म को कैसे एक्सटेंसिव कन्वर्ट करेंगे। पहले हम समझेंगे नॉर्मल फॉर्म गेम्स क्या है, उनका एनालिसिस किस तरह से होता है, उसके बाद फिर एक्सटेंसिव फॉर्म गेम्स का मतलब क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको समझेंगे, फिर इनको कन्वर्ट करना हम सीखेंगे, ताकि जब दोनों हमें समझ आ जाएंगे तो उसके बाद इनके कन्वर्जन हमें आसानी से समझ आएगा। तो आज की क्लास में हम नॉर्मल को एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव को नॉर्मल करना नहीं सीखेंगे, आज सिर्फ हम ये सीखना चाह रहे हैं कि भाई नॉर्मल फॉर्म गेम्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किन सिचुएशंस में हम नॉर्मल फॉर्म गेम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम करते हैं, और उनको रीड कैसे करना है, उसको एनालिसिस करने के लिए आइटम्स को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, और किसको क्या कहते हैं, ठीक है, किस चीज का क्या मतलब है, उनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यहां तक समझ आ गया होगा कि भाई एक्सटेंस नॉर्मल फॉर्म गेम्स को हम रो और कॉलम या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब कभी भी हम टेबल बनाते हैं तो ये हमारे लिए एक तरीके की लिमिटेशन हो जाती है, या बाउंडेशन हो जाती है, या कंस्ट्रेंट होता है, कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स को या इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वहां रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें हमें एक लिमिटेड आइटम्स की जरूरत पड़ती है, लिमिटेड आइटम्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए हमारी गेम थ्योरी के हिसाब से। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्लेयर्स मतलब डिसीजन मेकर्स। तो सबसे पहली बात है, द प्लेयर्स हैज टू बी फाइनाइट, और यू कैन से द नंबर ऑफ प्लेयर्स हैज टू बी फाइनाइट। अब हमने यहां लिख दिया है फाइनाइट, बट फाइनाइट मींस कि दैट इज आइदर टू और थ्री एट मैक्स। क्या होता है, जब हम किसी गेम को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स दो हैं, तो वो सबसे कन्वीनियंट वे होता है कि अगर दो प्लेयर्स हैं तो उनको हम इजीली टेबुलर फॉर्म में उस उनके स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को, उनके डिसीजन मेकिंग को रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं। कर हम थ्री के में भी कर सकते हैं कि अगर थ्री प्लेयर्स हो तो उसमें भी हम टेबुलर फॉर्म बना देते हैं, पर वो थ्री प्लेयर्स की ही कॉम्प्लेक्स बन जाती है। आगे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको करके कि
कि भाई अगर थ्री प्लेयर्स हैं तो उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे और उससे क्या कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो रही है, जिसके कारण हमें अगर ज्यादा प्लेयर्स हैं तो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है एक्सटेंसिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। हालांकि टेबुलर में भी किया जा सकता है, मैंने जैसे कि मैंने बताया, तो यहां पर लिमिटेशन हो गई कि जो नॉर्मल फॉर्म गेम्स हैं या जो स्ट्रेटेजिक फॉर्म या मैट्रिक्स फॉर्म में अगर गेम्स को हमें रिप्रेजेंट करना है तो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट व्हेन देयर आर ओनली टू पार्टिसिपेंट्स, कि पार्टिसिपेंट्स सिर्फ दो ही हो, तो ये आसान हो जाता है रिप्रेजेंट करना। नंबर दो बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ गेम टू बी रिप्रेजेंटेड इन द नॉर्मल फॉर्म इज द अनदर थिंग दैट वी मस्ट कीप इन माइंड इज इट कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड, अ गेम कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड इन अ नॉर्मल फॉर्म ओनली व्हेन देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज अवेलेबल विद ईच प्लेयर। कि मान लीजिए प्लेयर आपके दो ही हैं, अब एक प्लेयर के पास मान लीजिए तीन स्ट्रेटजी हैं, दूसरे प्लेयर के पास दो स्ट्रेटजी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेयर के पास तीन हो, दूसरे के पास भी तीन ही हो। ऐसा भी हो सकता है एक के पास दो हो और दूसरे के पास चार हो। मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे बन सकते हैं कि किस प्लेयर के पास कितनी स्ट्रेटजी है गेम में। स्ट्रेटेजी मतलब कितने तरह के एक्शंस वो ले सकता है। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कितने तरह के एक्शंस वो ले सकता है, कितने तरह की ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं अपने डिसीजन मेकिंग को देखने के लिए, कि वो चॉइस प्रोफाइल क्या है उसके पास, किस किस एक्शन में से वो चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बॉलर का एग्जाम्पल दिया था, तो बॉलर का एग्जाम्पल देता, उसके पास चार तरह की बॉल थी, इनके अलावा भी और कोई दूसरा, कोई यॉर्कर, अलग अलग तरह की बॉल्स हैं जो डल सकती हैं। जैसे मैंने चार तरह की बताई थी, तो ऐसे पांच या छह भी तरह की बॉल्स हो सकती है। हो सकता है कोई बॉलर ऐसा हो जिसको चार ही तरह की बॉल डालनी आती है, उसको यॉर्कर डालनी आती नहीं, तो उसके उसकी जो स्ट्रेटेजी प्रोफाइल होगी उसमें चार ही, उसका जो स्ट्रेटेजी सेट होगा उसमें चार ही तरह के एक्शंस उसके पास अवेलेबल होंगे, या चार ही तरह की स्ट्रेटेजी अवेलेबल होगी। किसी के पास हो सकता है ज्यादा भी हो, किसी के पास कम भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि जब हम टेबुलर फॉर्म में गेम को रिप्रेजेंट करेंगे या नॉर्मल फॉर्म में गेम को रिप्रेजेंट करेंगे, इट बिकम्स अनदर लिमिटेशन, और यू कैन से द अनदर कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर अ गेम और फॉर अ सिचुएशन टू बी रिप्रेजेंटेड इन द नॉर्मल फॉर्म और स्ट्रेटेजिक फॉर्म इज दैट द स्ट्रेटेजीज दैट अ पर्टिकुलर प्लेयर इज हैविंग दैट हैज टू बी अ सम फाइनाइट नंबर। उसका एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइटली ऑन गोइंग गेम नहीं होनी चाहिए, नेवर एंडिंग का सिचुएशन वाली बात नहीं होनी चाहिए वहां पर। ये इसका मतलब है कि नॉर्मल फॉर्म गेम को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट हैज टू बी देयर फॉर अ गेम टू बी रिप्रेजेंटेड इन द नॉर्मल फॉर्म इज द गेम हैज टू बी अ साइमल्टेनियस मूव। साइमल्टेनियस मूव गेम्स, व्हेन आई से साइमल्टेनियस मूव गेम, व्हाट डज इट मीन्स, दैट मीन्स बोथ द प्लेयर्स आर प्लेइंग और आर टेकिंग डिसीजन साइमल्टेनियसली, एक साथ वो डिसीजन ले रहे हैं। यानी कि कोई भी प्लेयर अगर अपना डिसीजन ले रहा है, तो वो जिस टाइम वो उस एक्शन को कर रहा है उस टाइम उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे इस तरह का एक्शन लेना है, मुझे ये एक्शन लेना है। ही इज नॉट अवेयर व्हाट
अदर प्लेयर इज गोइंग टू डू एट दैट पॉइंट, कि दूसरा सामने वाला प्लेयर क्या करेगा। अब जैसे मान लीजिए बॉलर कह रहा है कि मैं आउट स्विंग बॉल डालूंगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाह रहा हूं, तो उसको नहीं पता ना कि बैट्समैन आगे बढ़ के मारेगा, डिफेंड करेगा बैट्समैन, या बैट्समैन बल्ले को क्या कहते हैं कि ऑफ में करेगा या लेग की तरफ घुमाएगा, किस तरह का शॉट खेलेगा, ये बॉलर को नहीं मालूम। इसी तरह से बैट्समैन जो काउंटर पार्ट है उस बैट्समैन को नहीं मालूम कि बॉलर किस तरह की बॉल डालने वाला, वो तो जब बॉल डाल लेगा तब उसके सामने आएगा रिजल्ट कि भाई ये बॉल डली है तो अब मुझे ऐसे ये इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ मुझे डिफेंड करना है, मुझे शॉट मारना है, मुझे आगे बढ़ के मारना है, या मुझे लेग में की तरफ करना है, या मुझे सिर्फ टिक करके छोड़ देना है, तो वो बॉलर उस बैट्समैन डिसाइड करेगा। तो कहने का मतलब है जो साइमल्टेनियस मूव्स गेम है उसका मतलब ये है, एक प्लेयर को ये तो पता है कि सामने वाला प्लेयर डिसीजन लेगा, पर वो डिसीजन किस टाइम लेगा ये पहले प्लेयर को नहीं मालूम, तो इसलिए पहला प्लेयर अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है और दूसरे प्लेयर को नहीं मालूम कि पहले वाला क्या डिसीजन लेगा, दूसरा प्लेयर अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है। तो दैट मीन्स साइमल्टेनियस मूव गेम्स है। इसका दूसरा मतलब ये है कि टाइम एलिमेंट इज एबसेंट, दैट मीन्स टाइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग इज एबसेंट। वेन एवर आई से द टाइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग इज एबसेंट, वट डज दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट इज इट इज इमेटीरियल एट वट टाइम ईच प्लेयर इज टेकिंग और मेकिंग मूव्स। व्हेन आई से मेकिंग मूव्स कि वो अपनी स्ट्रेटेजी चलता है, कि ये ई मटेरियल है, इसका कोई महत्व नहीं है कि वो प्लेयर किस समय अपनी स्ट्रेटेजी चल रहा है, पहले चल रहा है या बाद में चल रहा है, कौन पहले चल रहा है कौन बाद में चल रहा है, ये ई मटेरियल है। यहां पर मेरी बात समझ में आई? टाइम एबसेंट होने का मतलब ये नहीं है समय रुक गया है और घड़ी नहीं चल रही है, ये मतलब नहीं है टाइम एबसेंट होने का मतलब, या उनको ये पता ही नहीं है कि 4 बजे हैं या 5 बजे हैं, ये मतलब नहीं है। यहां टाइम एलिमेंट के एबसेंट होने का मतलब है कि ये बात महत्व नहीं रखती कि कौन सा प्लेयर पहले चलेगा और कौन सा प्लेयर बाद में चलेगा, ये महत्व नहीं करती, यानी कि टाइमिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग इज इमेटीरियल ओवर हियर। व्हाई? बिकॉज द प्लेयर हु इज टेकिंग डिसीजन इज नॉट अवेयर वट अदर प्लेयर और वट हिज अदर काउंटर पार्ट इज गोइंग टू डू, उसको ये नहीं मालूम कि उसका जो काउंटर पार्ट है वो क्या करने वाला है, तो इसका मतलब वो पहले चले दूसरा बाद में चलेगा उसको बेनिफिट होगा, या फर्स्ट मूवर को बेनिफिट होगा या सेकेंड मूवर को बेनिफिट होगा, ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे इसमें। मतलब कि इस तरह की फॉर्म ऑफ गेम, यानी कि साइमल्टेनियस फॉर्म गेम में क्या होता है कि टाइम एलिमेंट एबसेंट होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि टाइम एलिमेंट एबसेंट होने का मतलब क्या है। अगर इसको हम आगे और जब गेम्स को एनालिसिस करेंगे, गेम्स का एनालाइज करेंगे किसी भी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को, तो वहां पर मैं फिर और क्लैरिटी के साथ आपको समझाऊंगा कि भाई टाइम एबसेंट का मतलब क्या है। अब आता है कुछ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हम स्ट्रेटेजिक फॉर्म ऑफ गेम्स में हम देखते हैं, जैसा कि जिस तरह की गेम हमें डिस्कस करनी है उस स्ट्रेटेजिक फॉर्म ऑफ गेम में और क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो हमें देखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने कुछ चीजें बताई कि किसी भी गेम को या किसी भी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को अगर आपको नॉर्मल फॉर्म ऑफ गेम में रिप्रेजेंट करना है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, किस तरह की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होनी चाहिए या जिनका होना मैंडेटरी है, या आप कह सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उनको हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ गेम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उन गेम्स को पढ़ने
पढ़ने के लिए या उस गेम, कोई भी स्ट्रेटेजिक फॉर्म ऑफ गेम हमें गिवन होगी तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की या किन किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये अब हमें देखना है और एक एक करके हम उनको समझते जाएंगे। ठीक है जी। अब पहला कंसेप्ट समझने के लिए या कोई भी कंसेप्ट को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जो आपकी रीडिंग से ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। ये एक गेम है, इस गेम को नाम दिया गया प्रिजनर्स डेलिमा। प्रिजनर्स डेलिमा इस गेम का टाइटल नेम है। ये एक पर्टिकुलर तरह की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, जो कि एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है साइमल्टेनियस मूव गेम का, ऐसे गेम का जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, ऐसे गेम का जिसमें जो प्लेयर्स हैं वो भी फाइनाइट हैं, और ऐसे गेम का जिसको आप रो और कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले मैं ये गेम समझाता हूं क्या है, फिर इस गेम को मैं टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूं क्या है, और फिर उस टेबुलर फॉर्म को हम कैसे रीड करेंगे एनालिसिस करने के लिए, कौन सी टर्म्स का मतलब क्या रहेगा, ये फिर हम उसमें समझते हैं साथ के साथ। तो चलिए पहले हम गेम को देखते हैं कि गेम है क्या। प्रिजनर्स डेलिमा एक एक पर्टिकुलर तरह की ये सिचुएशन है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन है। पहले तो इसको क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, इस एग्जाम्पल को। क्या है, ये कहता है कि भाई दो सस्पेक्ट्स हैं। दो सस्पेक्ट्स होने का मतलब है एक तरीके की दो तरह के प्लेयर्स हो गए, दो तरह के पार्टिसिपेंट्स होंगे। यहां पर हम सस्पेक्ट्स को पार्टिसिपेंट्स मानकर चलेंगे, जो कि जिनको पकड़ा गया है उन्होंने कोई मेजर क्राइम किया है, चाहे चोरी की हो, चाहे किसी को साथ मारपीट की हो, ये इसमें नहीं बताया गया है गेम में, आपके बुक में एग्जाम्पल में, बट दे हैव कमिटेड सम सॉर्ट ऑफ क्राइम, कि उन्होंने किसी ना किसी तरह का क्राइम, कोई कोई गलत काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, जिसके अंदर उनको सेपरेट जेल्स में बंद कर दिया गया। यानी कि सेपरेट सेल्स में बंद करने का मतलब क्या है, इस गेम को एनालाइज करने का मतलब सबसे पहली चीज क्या आ गई हमारे सामने, कि दे कैन नॉट कॉम्युनिकेट। भाई सेपरेट अलग अलग सेल में बंद किया ना उनको, इसका मतलब दे कैन नॉट कॉम्युनिकेट। ये फर्स्ट थिंग क्या हो गई, दे कैन नॉट कॉम्युनिकेट, दे कैन नॉट कॉम्युनिकेट, कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या बात नहीं कर सकते, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं। ये क्या नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, कि एक दूसरे से सलाह करके कोई डिसीजन नहीं ले सकते। यानी कि पहली कंडीशन प्रिजनर डिलेमा के लिए क्या हो गई, कि जहां पर भी कोई दो पार्टिसिपेंट्स हो और वो एक साथ मिलकर डिसीजन ना ले पाए, यानी कि एक दूसरे से सलाह करके डिसीजन ना ले पाए, तो उस सिचुएशन को हम प्रिजनर डिलेमा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि प्रिजनर डिलेमा जो है एक इस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, गेम की सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें पार्टिसिपेंट जो आपस में व्हाट डू यू कॉल इट कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। देयर इज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट ईच ऑफ देम ऑफ अ माइनर ऑफेंस, बट नॉट इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट टू आइदर ऑफ देम ऑफ अ मेजर क्राइम अनलेस वन ऑफ देम एक्ट्स एज अ इन्फॉर्मर अगेंस्ट द अदर। यानी कि क्या है कि उनको पकड़ तो लिया गया है, यानी कि जो पुलिस है या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसने उनको हेल्ड किया है, उसने उन्हें पकड़ तो लिया है, पर उनके खिलाफ कोई ज्यादा ठोस सबूत नहीं है उनके पास। उनके पास इस तरह के सबूत तो है, उनको थोड़ा बहुत जेल में रख दिया जाए या थोड़ी बहुत उनको सजा दे दी जाए, पर मेजर जो क्राइम उन्होंने एक्चुअली कमिट किया, उस क्राइम में उनको कन्विक्ट करने के लिए, यानी कि उस क्राइम में उनको सजा दिलाने के लिए उनके पास इनफ एविडेंस नहीं है, अनलेस अनटिल कि उनमें से कोई एक एज अ
इन्फॉर्मर बन जाए, यानी कि सरकारी गवाह जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। आपने फिल्मों में भी सुना होगा, टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं, तो पुलिस ज्यादातर कहती है जिस किसी को पकड़ती है कि भैया देखो सरकारी गवाह बन जाओ तो हम तुम्हारी सजा कम करा देंगे, ये लालच देती है ना। तो ये उसी तरह की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है कि भाई वो लालच क्यों दे पा रही है, वो लालच भी इसीलिए दे पाएगी उनको क्योंकि वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर देंगे तो फिर पुलिस अपनी मर्जी से कोई स्ट्रेटजी नहीं चला पाएगी, फिर वो किसी एक को ये नहीं बोल पाएगी कि भाई आपको हम ये बेनिफिट दे देंगे आप उसके खिलाफ। दोनों सामने बैठे हो तो दोनों अपनी दोस्ती या अपनी एक तरीके से एक दूसरे के प्रति लॉयलिटी को निभाना चाहेंगे, और वो ये भी जान जाएंगे कि जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, थोड़े बहुत टाइम के लिए हमें सजा देगी फिर हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि पुलिस भी या कह लीजिए कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी है वो भी उसी तरह से कर पा रही है उनको कन्विंस। क्यों कर पा रही है? क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो सेपरेट सेल्स में बंद है। इसका एक मतलब ये भी पता चलता है कि टाइम एलिमेंट ऑफ डिसीजन इज एब्सेंट। इस गेम से हमें ये भी पता चलता है जो भी ऊपर मैंने बताया, किसी भी गेम को नॉर्मल फॉर्म या स्ट्रेटेजिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए साइमल्टेनियस मूव गेम होना जरूरी है, यानी कि टाइम एलिमेंट एब्सेंट होना चाहिए। क्योंकि दोनों सेपरेट सेल्स में बंद हैं तो दिस मींस वन डज नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द डिसीजन मेड बाय अदर, राइट? कि इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि दे कैन नॉट कम्युनिकेट का, कि पहले वाले को ये नहीं मालूम कि दूसरे वाला क्या डिसीजन ले रहा है, और दूसरे वाले को ये नहीं मालूम पहले वाला क्या डिसीजन ले रहा है। ना ये मालूम कि मान लीजिए उन्हों को तो जेल सेल में सुबह बंद कर दिया दोनों को, अलग अलग सेल में, इस तरह की सेल में कि वो आपस में कम्युनिकेट ना कर सकते हैं एक दूसरे को, उन्हें पता भी नहीं कौन कौन सी सेल में बंद है। तो एक से पुलिस वाले ने सुबह पूछा, एक से शाम को पूछा, तो क्या ये मैटर करेगा उनके डिसीजन मेकिंग में? कि पुलिस वाला उसको थोड़ी बताएगा कि मैं सुबह उससे बात करके आ रहा हूं, वो शाम को। तो यानी कि टाइम एलिमेंट, कि कौन सा प्लेयर क्या डिसीजन ले रहा है, किस टाइम पे डिसीजन ले रहा है, ये बात तो इमेटीरियल हो गई ना यहां पर। तो जो साइमल्टेनियसली मूव गेम्स हैं उनमें टाइम एलिमेंट एब्सेंट होता है, ये भी यहां पर हमें दिख रहा है इस तरह की गेम में, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट अवेयर व्हाट डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द अदर, और पहले डिसीजन किसने लिया। मान लीजिए पहले वाले के पास सुबह गए, दूसरे वाले के पास शाम को गई पुलिस वाले, या पहले वाले के पास शाम को गए और दूसरे के वाले के पास सुबह गए पुलिस वाले, तो उनको थोड़ी पता है कि पुलिस वाला दूसरे से तहकीकात करके आया या नहीं करके आया, राइट? वो तो उसको कह रहे हैं कि तू ऐसा करेगा तो हम ये कर लेंगे। अब डिसीजन तो उस इंडिविजुअल सस्पेक्ट ने करना है ना, जिसको पकड़ा गया है उसने करना है डिसीजन तो लेना है। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन पहले लेगा कोई बाल में। तो इससे हमें पता चलता है इट इज अ साइमल्टेनियस मूव गेम। दिस मींस इट इज अ साइमल्टेनियस मूव गेम। इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये एक साइमल्टेनियस मूव गेम है। अब आगे क्या कहता है, बताता है। आगे कहता है इफ दे बोथ स्टेज क्वाइट, अगर दोनों चुप रहें, यानी कि दोनों कुछ ना बोलें, ईच विल बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस एंड स्पेंड्स 1 ईयर इन प्रिजन। अब ये देखो, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था लास्ट क्लास में, पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब है आउटकम। आउटकम क्या है? तो यहां पर ये इस गेम में आउटकम भी दे रखे हैं इस स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में। थर्ड एलिमेंट जो इसमें गिवन है वो क्या है? आउटकम, पे ऑफ गिवन है। कैसे गिवन है? पे ऑफ को हम मार्क कर लेते हैं,
बोथ स्टेज क्वाइट, यानी कि दोनों चुप रहें और ना कहें कि हमने कुछ किया है, कुछ ना बोले, कहते जी हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम, जैसे, तो इफ बोथ स्टेज क्वाइट ईच विल बी कन्विक्टेड ऑफ माइनर ऑफेंस, दोनों को माइनर ऑफेंस मिलेगा और एक एक साल की जेल होगी, यानी कि 1 ईयर प्रिजन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पे ऑफ आएगा, कि अगर उनका एक्शन ये है कि वो चुप रहे दोनों, तो जो पे ऑफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 ईयर ऑफ प्रिजन, कि 1 साल की सजा होगी हर एक को, दोनों को। दूसरा क्या कहता है, इफ वन एंड ओनली वन ऑफ देम थिंक्स शी विल बी फ्रीड एंड यूज्ड एज अ विटनेस अगेंस्ट द अदर हु विल स्पेंड 4 ईयर्स इन प्रिजन। भाई सिंपल सी बात है, अब दूसरा आ गया पे ऑफ, दूसरे एक्शन का पे ऑफ बता दिया इस गेम में, क्या कि इफ वन एंड ओनली वन थिंक्स, थिंक्स मीन्स धोखा देना या दूसरे के प्रति कन्फेस कर लेना एक तरीके से। क्वाइट का मतलब यहां पर क्या है, मैं आपको एक ये भी बता देता हूं बात, यहां पर हाथ लगे, यहां लिखा है कि प्लेयर्स क्वाइट रहते हैं, कुछ बुक्स जो जैसे ऑसबॉर्न में तो क्वाइट और थिंक वर्ड को यूज किया गया है, पर अदर अगर आप लिटरेचर देखेंगे, बुक्स देखेंगे जहां पर प्रिजनर्स डेलिमा गेम को दिया गया है, तो क्वाइट का मतलब है एक तरीके से डोंट कन्फेस, कन्फेस मत करो कि तुमने क्या किया है, क्वाइट रहो, चुप रहो, और थिंक का मतलब है कन्फेस, यानी कि कन्फेस कर लो कि तुमने क्या किया, उनको सच सच सब बता दो। तो कहता है कि अगर दोनों में से अगर सिर्फ एक कन्फेस नहीं करता है तो उसका आउटकम क्या होगा, 0 ईयर्स ऑफ जेल, ईयर्स ऑफ प्रिजन, सॉरी जेल भी कह सकते हैं, ठीक है, कि उसको कोई सजा नहीं हुई, पुलिस कह रही है भाई तुमको छोड़ देंगे, तुम बस हमें सच बता दो, सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हें हम छोड़ देंगे, तो उसका पे ऑफ हो गया 0। इसी तरह कहता है एंड यूज्ड एज अ विटनेस एंड हु विल स्पेंड 4 ईयर्स इन जेल फ्रीड एंड यूज एज अ विटनेस, और जो दूसरा प्लेयर होगा, अनदर प्लेयर, उसको क्या पे ऑफ मिलेगा, उसका पे ऑफ होगा यहां पर 4 ईयर्स ऑफ जेल, और यू कैन से प्रिजन, कि उसको 4 साल जेल में काटनी पड़ेगी, 4 साल की सजा हो जाएगी उसको। आगे क्या कहता है, इफ बोथ थिंग्स, दोनों ही कन्फेस कर लें, इधर से उसको थप्पड़ पड़ा, उसने भी मुंह खोल दिया लालच में कि हाँ ठीक है जी, वो क्योंकि उसको पहले को तो नहीं पता ना दूसरे वाला क्या कर रहा है, ना दूसरे को पता है कि पहले वाले ने क्या डिसीजन लिया, टाइम एलिमेंट एबसेंट है, दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो तीसरी सिचुएशन क्या कहता है कि इफ बोथ थिंग्स When I say both things, that means if both confesses, दोनों confess कर लें, each will spend 3 years in prison, फिर दोनों को 3 3 साल की सजा हो जाएगी, 3 years of prison to each, right? तो अब ये देखो, ये जो एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन हमें दी डिसीजन मेकिंग की, जिसको हमने प्रिजनर्स डेलिमा बोला, और गेम ऑफ प्रिजनर्स डेलिमा वी कैन से दैट, इसमें ये एलिमेंट है, और इन एलिमेंट के बेसिस पर अब हमें इस गेम को नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल फॉर्म गेम जो होती है टेबुलर फॉर्म में होती है, और ये उन एलिमेंट्स को भी फुलफिल कर रही है, भाई टेबुलर फॉर्म है, दोनों जो प्लेयर हैं उनके पास जो स्ट्रेटेजी है। अब यहां देखो, यहां पर फोर्थ एलिमेंट हमें क्या पता चलता है कि जो स्ट्रेटेजी अवेलेबल है प्लेयर्स के पास वो दो ही हैं, क्या, या तो क्विट करे या फिंक करे, यानी कि या तो वो डोंट कन्फेस या फिर कन्फेस करे, ये दोनों ही
में से वो उनके पास स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब देखो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये एलिमेंट्स होते हैं किसी भी गेम में, तो प्लेयर्स भी हैं हमारे पास यानी कि पार्टिसिपेंट्स भी हैं, एक तरीके के रूल्स भी हमें बता दिए गए हैं गेम के। रूल्स क्या हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जो डिसीजन मेकिंग है वो साइमल्टेनियस है यानी कि एक तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते वो, और किस टाइम पर वो डिसाइड कर रहे हैं दे आर नॉट अवेयर विद दैट। तो ये सारे रूल्स हमें मालूम है इस गेम के, इस गेम की सिचुएशन जो हमें दे रखी है। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन अ गेम फॉर्म, और इसको गेम फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम कैसे उसको रीड कैसे करते हैं, उसमें किसका क्या मतलब है, ये हम देखते हैं। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। जैसा कि हमने बताया आपको, जैसा कि हमने पहले देखा कि जो नॉर्मल फॉर्म गेम है वो टेबुलर फॉर्म में होती है या मैट्रिक्स फॉर्म में होती है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होती है। तो एक तरीके का जो व्हाट डू यू कॉल इट कन्वेंशन है नॉर्मल फॉर्म में गेम रिप्रेजेंट करने का, उस कन्वेंशन में क्या है, ध्यान से देखिए, उस कन्वेंशन के हिसाब से क्या है, एज पर कन्वेंशन, कन्वेंशन मीन्स ज्यादातर बुक्स में, ज्यादातर लिटरेचर में या जनरली जो तरीका हम फॉलो करते हैं उसको कन्वेंशन बोला जाता है। तो कन्वेंशनली क्या है कि पार्टिसिपेंट वन और वी कैन से प्लेयर वन, अब मैं बार बार पार्टिसिपेंट नहीं बोलूंगा यहां पर, अब मैं प्लेयर बोलूंगा, प्लेयर वन। अब हमारे केस में क्योंकि प्रिजनर्स हैं तो हमारे लिए प्रिजनर वन हो गया, राइट? पार्टिसिपेंट प्रिजनर है ना, तो प्रिजनर वन हो गया। तो जो प्रिजनर वन है, पार्टिसिपेंट वन है, उसको आप रोज में रिप्रेजेंट करते हो, राइट? और जो पार्टिसिपेंट सेकंड है या आप कह लीजिए प्लेयर सेकंड है, और हमारे इस गेम की उसमें जो प्रिजनर सेकंड है उसको हम कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम वाइज उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये रो वाइज ये कॉलम वाइज, ये कन्वेंशन है किसी भी गेम को रिप्रेजेंट करने की कि फर्स्ट प्लेयर को रो वाइज और सेकंड पार्टिसिपेंट को कॉलम वाइज आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है, बट ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर बुक्स में इसी तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम भी उसी कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं, ज्यादातर बुक्स में यही कन्वेंशन फॉलो हो रही है, ताकि आप जब गेम पढ़ो किसी भी बुक से, चाहे ऑसबॉर्न से पढ़ो, चाहे आपकी वॉटसन, जियोल वॉटसन की जो बुक रेफर की गई है, चाहे उसको देखो, या अदरवाइज अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बच्चे उसके उसके अलावा भी बहुत सारी और बुक्स हैं जिनको देख सकते हैं, तो वहां पर आपको इसी तरह से रिप्रेजेंटेड होगा। तो चलिए हम पहले रो और कॉलम्स बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजी दो ही हैं, तो हम पहले स्ट्रेटेजी, यहां पहले हम प्लेयर्स मार्क कर लेते हैं। मैंने यहां लिखा प्लेयर वन, सॉरी प्लेयर वन नहीं, आई एम गोना राइट द प्रिजनर वन, बिकॉज आर प्लेयर, आर पार्टिसिपेंट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ प्रिजनर, तो उसको हम रेफर करेंगे प्रिजनर वन, और यहां हम रेफर कर देंगे प्रिजनर सेकंड। अब प्रिजनर वन के पास दो तरह की स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है, क्विट और फिंक, और प्रिजनर टू के पास भी दो ही स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, क्विट और फिंक। तो मैं क्या करता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, तो हालांकि पूरा भी लिख सकते हैं क्विट और फिंक, बट मैं जस्ट यहां पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि हम कन्वीनियंटली उसको लिख सकें, तो मैंने क्यू स्टैंड्स फॉर क्विट एंड एफ स्टैंड्स फॉर फिंक। तो मैंने स्ट्रेटेजी लिख दी यहां पर क्विट और ये फिंक, और इसकी स्ट्रेटेजी लिख दी क्विट और इसकी लिख दी फिंक। अब इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में बनाना चाहें तो ये टेबल कुछ इस तरह की दिखेगी हमें बनने के बाद, टेबल कुछ इस तरह का
फॉर्म ले ले रही है। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, प्लेयर सेकंड, ये प्लेयर सेकंड है, यानी कि जब कभी भी किसी गेम को पढ़ेंगे तो जो इस तरह से मेंशन होगा वो प्लेयर्स मेंशन होंगे। और जो ये है यहां पर क्विट और फिंक, ये दोनों क्या है, स्ट्रेटजी हैं, या एक्शंस भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ। आपकी जो ऑसबॉर्न की बुक है वहां पर स्ट्रेटजी वर्ड यूज ना करके उन्होंने एक्शन वर्ड यूज किया है, राइट? तो स्ट्रेटजी और एक्शन को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। यहां पर आपकी ऑसबॉर्न की बुक पढ़ोगे तो उसमें एक्शन लिखा होगा, तो ये दोनों क्या हो गई, प्लेयर टू की स्ट्रेटजी हो गई, ये दोनों प्लेयर वन की स्ट्रेटजी हो गई, स्ट्रेटजीज और एक्शंस, एक्शंस, राइट? ये स्ट्रेटजीज और एक्शंस हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब तीसरा जो एलिमेंट गेम्स का इंपॉर्टेंट था, गेम्स का तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो था हमारे सामने, वो था एक तरीके से पे ऑफ्स, कि इन पे ऑफ्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब पे ऑफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज पर जो आपकी, आपको और हमको जो क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन के हिसाब से पे ऑफ्स क्या थे हमारे, कि इफ बोथ स्टेज क्वाइट, यानी कि दोनों अगर क्वाइट रहना पसंद करते हैं तो दोनों को एक एक साल की सजा होगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर हम क्या लिखेंगे कि क्वाइट और क्वाइट दोनों फर्स्ट कॉलम के, मतलब कि इस टेबल के इस फर्स्ट सेल में आ रहे हैं जिसमें हमें पे ऑफ लिखना है, तो मैं लिखूंगा 1,1। अब ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, कि जैसा कि आप किसी भी टेबल में या मैथमेटिकली भी आप जानते हो कि जब हम कोई भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इनटू रो एंड कॉलम फॉर्म। आर स्टैंड्स फॉर रो, सी स्टैंड्स फॉर कॉलम। दैट मींस कि जो पहला पे ऑफ है वो रो को रेफर कर रहा है। जब मैं कह रहा हूं रो को रेफर कर रहा है तो प्लेयर वन को रेफर कर रहा है, यानी कि जो पहली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये प्लेयर वन के एक्शन का पे ऑफ है, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये प्लेयर टू के एक्शन का या स्ट्रेटेजी का पे ऑफ है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसको ध्यान से समझना, मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि हमेशा कैसे रीड करना है, कि प्लेयर वन का पे ऑफ जो है वो रो वाइज है, प्लेयर टू का पे ऑफ जो है वो कॉलम वाइज है। क्यों? क्योंकि प्लेयर वन को रो वाइज रिप्रेजेंट किया गया है, हमने ये देखो यहां पर बताया मैंने आपको, और प्लेयर टू को कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करना है। तो इसी तरह से जितने भी पे ऑफ हम मार्क करेंगे टेबल में, या हमें कोई टेबल ऑलरेडी गिवन हो बनी बनाई, तो उसमें जो हमें रीड करना है, हमें इसी तरह से रीड करना है कि प्लेयर वन के यानी कि रो के जो पे ऑफ होंगे वो रो साइड पर जिस प्लेयर को रिप्रेजेंट किया होगा उसके होंगे, और दूसरे वाला सेकंड प्लेयर का होगा। अब अगला देखते हैं, कहता है कि अगर इफ वन फिंक्स एंड अनदर नॉट, भाई एक ही फिंक करे तो जो फिंक करेगा, जो फिंक एक्शन को लेगा, जो जो कन्फेस करेगा एक तरीके से, यानी कि जो दूसरे के खिलाफ सरकारी गवाह बनना चाहेगा, उस तो, वो तो फ्री हो जाएगा। वो कह रहे हैं भाई तुम्हें तो छोड़ देंगे हम, तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। हाँ, जो फिंक नहीं करेगा, जो कन्फेस नहीं करेगा, उसको 4 साल की सजा होगी। तो ये हो गया यहां पर। तो अब यहां पर क्या है, हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कि यानी कि जो फिंक करेगा उसको तो कोई सजा नहीं होगी, और जो क्वाइट रहेगा उसको 4 साल की सजा होगी।
ये मतलब हो गया। तो इस तरह से अब यहां पर अगर मुझे पे ऑफ दिखाने हैं तो प्लेयर वन अगर क्वाइट रहता है और प्लेयर टू फिंक करता है तो सिंपल सी बात है, प्लेयर वन क्वाइट रहेगा तो प्लेयर वन को तो 4 साल की सजा हो जाएगी और प्लेयर टू फिंक करेगा उसको वो फ्री हो जाएगा, उसको कोई सजा नहीं होगी, उसको छोड़ देगी पुलिस की, ले जाइए आप, चले जाइए आप, क्योंकि सरकारी गवाह का काम किया है आपने, पुलिस की मदद की है। इसी तरीके से अगर हम यहां देखें दूसरी तरह, ये जो कॉलम है इसमें जो आया है कि प्लेयर वन फिंक कर रहा है, यानी कि प्लेयर वन तो सरकारी गवाह बन रहा है एक तरीके से, और प्लेयर टू, ओ सॉरी, प्रिजनर टू जो है वो चुप बैठा है, तो यानी कि प्लेयर वन सरकारी गवाह बन रहा है तो उसको तो कोई सजा नहीं होगी, फ्री हो जाएगा, और प्लेयर टू उसको अगर सजा मिली है यानी कि वो चुप रहा है तो उसको 4 साल की सजा हो जाएगी। ये हमने पे ऑफ मार्क कर दिया। इसमें ऐसे ही है कि फर्स्ट पे ऑफ जो रो का है सेकंड कॉलम का है, यहां पर भी फर्स्ट रो का है सेकंड कॉलम का है, ये बात ध्यान रखनी है आपने, इसीलिए मैं इनको वन बाय वन रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है उन सभी के लिए है, व्यूअर्स के लिए, ठीक है। अगर देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है इफ बोथ थिंक्स, अगर दोनों ही थिंक करें, यानी दोनों ही प्लेयर अगर व्हाट डू यू कॉल इट, सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाएं, दोनों कन्फेस कर लें, यानी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे दें, तो उस केस में दोनों को 3-3 साल की सजा होगी। तो इसमें फर्स्ट जो प्लेयर है उसको भी 3 साल की सजा, सेकंड प्लेयर को भी 3 साल की सजा, प्रिजनर को, सॉरी, प्लेयर या प्रिजनर एक ही बात है यहां पर। प्लेयर मींस पार्टिसिपेंट्स, प्लेयर का मतलब एज सच प्लेयर नहीं है, प्लेयर मतलब पार्टिसिपेंट है यहां पर, या डिसीजन मेकर है, क्योंकि हमारे केस में प्रिजनर है तो यहां दोनों हमने प्रिजनर्स को रेफर किया है। तो देखिए ये साइमल्टेनियस मूव गेम है, हमने पे ऑफ, ये चीजें क्या है, ये पे ऑफ है, मैं इनको मार्क कर देता हूं, इस गेम में ये पे ऑफ है, ये सेल, ये सेल, ये सभी क्या है, ये पे ऑफ कहलाती है, ये पे ऑफ्स कहलाती हैं। तो ये देखिए हमने अभी देखा कि इस गेम को हम, गेम का मतलब क्या है हमने ये समझा, प्रिजनर्स डिलेमा गेम किस तरह की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस, देन वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर गेम कैन बी एनालाइज्ड, इसका एनालिसिस किस तरह से हम कर सकते हैं एंड हाउ इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड। तो ये जो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म गेम, नॉर्मल फॉर्म गेम, या स्ट्रेटेजिक फॉर्म गेम, या मैट्रिक्स फॉर्म गेम, या टेबुलर गेम, टेबुलर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन गेम का। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनको हमें समझना है, कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जिनको हमें इस गेम में समझना है, जो कि आपकी रीडिंग के हिसाब से या अदरवाइज भी आपको समझना है गेम थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। कुछ टर्म्स हैं मैं इससे रिलेटेड मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि अब आप, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मेरा इतना बताने के बाद, इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप ये समझ गए हैं कि नॉर्मल फॉर्म गेम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई भी नॉर्मल फॉर्म गेम अगर इस तरह से रिप्रेजेंटेड है तो उसको हम किस तरह से रीड करेंगे, कौन से एलिमेंट का क्या मतलब है और कौन सा एलिमेंट को कैसे हमें रीड करना है एनालिसिस करने के लिए, या एनालिसिस करने के लिए, इज दैट ओके। अब इसी में एक टर्म जो कई बार क्या होगा, गेम को सिंपल वर्ड्स में ना देकर हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, तो इसी भी, ये भी जो कंसेप्ट है इसकी अपनी लैंग्वेज है। इसमें एक कंसेप्ट आता है जिसको आप बोलते हो स्ट्रेटेजी स्पेस, स्ट्रेटेजी स्पेस को आप स्ट्रेटेजी सेट भी कह सकते हैं, या आपकी ऑसबॉर्न में इसी चीज को जो रीडिंग्स है उसमें एक्शन सेट बोला गया है, ठीक है। पहले मैं इसको बताता हूं इसका मतलब क्या है,
और फिर मैं बताता हूं कि अगर क्वेश्चन में कहे कि एक्शन सेट्स क्या क्या अवेलेबल हैं किस प्लेयर के पास, तो उसको हमें इस टेबल में से कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्शन सेट में, किसके एक्शन सेट में कैसे है। एक्शन सेट क्या होता है, ध्यान से समझिए। इट इज अ सेट कंप्राइजिंग ईच ऑफ द पॉसिबल स्ट्रेटजीज और यू कैन से द एक्शंस ऑफ प्लेयर्स इन द गेम। मतलब स्ट्रेटजी स्पेस या स्ट्रेटजी सेट या एक्शन सेट का मतलब क्या है कि वो कुछ नहीं है, वो एक तरीके से सेट है। किस चीज का सेट है? ऐसा सेट है जो हमें रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, कि हर एक प्लेयर के पास कौन कौन से एक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको बॉलर की केस में वो पीछे एग्जांपल दिया था, तो स्पिन बॉलर की मैंने चार तरह की बताई थी कि बॉलर के पास चार तरह के एक्शंस है, तो उसके एक्शन सेट में ये चार एलिमेंट है। बैट्समैन के एक्शन सेट में ये चार एलिमेंट है। इसी तरह हम अपने इस गेम की बात करें तो यहां पर जो प्रिजनर वन है, जो प्लेयर वन है, उसके पास दो ही एक्शन एक्शन सेट में दो ही एलिमेंट्स हैं, क्या? क्विट और फिंक। तो यानी कि स्ट्रेटजी सेट को हम एस आई से डिनोट करते हैं, या आपकी जो ऑसबॉर्न की रीडिंग्स हैं उसमें ए आई से डिनोट किया हुआ है। आई स्टैंड्स फॉर द प्लेयर्स, जैसे हमारे केस में वन और टू हो गए, यानी कि आई स्टैंड्स फॉर द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि पार्टिसिपेंट्स का मतलब हो गया एक तरीके से कितने पार्टिसिपेंट है उनकी हमने इंडेक्सिंग कर दी है, तो फाइनाइट नंबर है, दो ही पार्टिसिपेंट है। तो इसलिए जब मुझे स्ट्रेटजी सेट लिखना है फर्स्ट प्रिजनर का, तो मैं एस वन लिखूंगा या ए वन लिखूंगा, और उसको लिखूंगा इस तरह से, ए वन इज इक्वल्स टू क्विट एंड फिंक, क्योंकि उसके पास दो ही स्ट्रेटजी अवेलेबल है। सेम गोज फॉर द प्लेयर सेकेंड, हमारे इस गेम में यही जाएगा सेकेंड प्लेयर के लिए भी, क्योंकि उसके पास भी दो ही स्ट्रेटजी अवेलेबल है, क्विट और फिंक एज पर द गेम। तो सेकेंड प्लेयर की स्ट्रेटजी सेट या स्ट्रेटजी स्पेस या एक्शन स्पेस में क्या है? दो ही स्ट्रेटजी है, क्विट और फिंक। यहां पर दोनों प्लेयर के पास सेम तरह की स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, ये मतलब है इस गेम का, कि इस गेम में दोनों प्लेयर के पास सेम तरह की स्ट्रेटजी अवेलेबल है। क्या मेरी बात समझ में आई है? आई होप कि स्ट्रेटजी स्पेस का मतलब, स्ट्रेटजी सेट का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी प्लेयर के पास कौन कौन से एक्शंस अवेलेबल हैं उनके सेट को लिख देना स्ट्रेटजी सेट कहलाता है। आगे हम और भी तरह के एग्जांपल्स इसमें देखेंगे, तो मैं वहां पर जगह जगह पर बताता रहूंगा कि किस प्लेयर का स्ट्रेटजी सेट क्या है, और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। आई होप स्ट्रेटजी सेट का मतलब क्या है आपको समझ आया होगा। वेल, देर इज अनदर थिंग, अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट और अनदर इंपॉर्टेंट टर्म दैट वन नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस कंटेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेटजी प्रोफाइल। वेल सी, दीज आर द टू टर्म्स, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं स्ट्रेटजी सेट, स्ट्रेटजी स्पेस और स्ट्रेटजी प्रोफाइल में। सॉरी, मैंने प्रॉफिट लिख दिया, इट इज नॉट प्रॉफिट, इट इज प्रोफाइल, एल ई आएगा, प्रोफाइल, स्ट्रेटजी प्रोफाइल। स्ट्रेटजी प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्शन प्रोफाइल। अब पहले हम देखते हैं कि एक्शन प्रोफाइल का मतलब क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट देन द स्ट्रेटजी स्पेस और स्ट्रेटजी सेट से ये डिफरेंट कैसे है। स्ट्रेटजी प्रोफाइल क्या है कि इट इज द वेक्टर ऑफ स्ट्रेटजीज वन फॉर ईच प्लेयर।
कि हर प्लेयर की जो स्ट्रेटजी को रिप्रेजेंट करता हो, उसका जो वेक्टर बनेगा, उसका जो वेक्टर स्पेस बनेगा, उसको आप स्ट्रेटजी प्रोफाइल कर सकते हो, या आप कह सकते हो रो या कॉलम की फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट कर दें तो स्ट्रेटजी प्रोफाइल बन जाएगा जब दोनों प्लेयर की स्ट्रेटजीज को कर दें। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इट डिस्क्राइब्स स्ट्रेटजीज फॉर ऑल ऑफ द प्लेयर्स इन द गेम, यू कैन से इन द गेम, कि गेम में जो हर प्लेयर के एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो स्ट्रेटजी प्रोफाइल कहलाता है। कैसे? अब ध्यान से देखिए, स्ट्रेटजी प्रोफाइल और स्ट्रेटजी व्हाट डू यू कॉल इट स्पेस में डिफरेंट क्या है। स्ट्रेटजी स्पेस में हमने जो यहां पर स्ट्रेटजीज लिखी, तो यहां पर हमने लिस्ट किया उन स्ट्रेटजीज को जो कि प्लेयर वन के पास अवेलेबल है, क्विट और फिंग। वो अलग बात है कि हमारी इस गेम में दोनों ही प्लेयर्स के पास सेम स्ट्रेटजी सेट अवेलेबल है, तो इसलिए दोनों का ही स्ट्रेटजी सेट क्विट और फिंक बन गया है यहां पर, जो गेम हमें गिवन है आपकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली। अदरवाइज और भी तरह के एग्जाम्पल बन सकते हैं। सपोज करो प्लेयर वन, मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बना रहा हूं, एक प्लेयर वन लिख रहा हूं या प्लेयर टू लिख रहा हूं। तो प्लेयर वन के पास मान लीजिए स्ट्रेटजी है, मान लीजिए ए बी सी, और प्लेयर टू के पास स्ट्रेटजी है एच और एफ। तो यानी कि प्लेयर वन का जो स्ट्रेटजी सेट, यहां पर मैंने पे ऑफ नहीं लिखे हैं जस्ट फॉर द सेक कि मुझे, क्योंकि स्ट्रेटजीज में डिफरेंस बताना है, तो प्लेयर वन का जो स्ट्रेटजी सेट बनेगा या एक्शन सेट बनेगा, जिसको आप ए वन से भी डिनोट कर सकते हैं, ये बनेगा ए कॉमा बी कॉमा सी। और जबकि प्लेयर टू का जो स्ट्रेटजी सेट या एक्शन सेट जो बनेगा वो बनेगा एच कोमा एफ। मतलब कि स्ट्रेटजी सेट में तो आपने सिर्फ उनकी स्ट्रेटजीज को लिख दिया है कि यानी कि किसके पास कितनी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, उन सबको आपने पेन डाउन कर लिया। दैट इज व्हाट द स्ट्रेटजी सेट मींस। स्ट्रेटजी प्रोफाइल का मतलब क्या है? स्ट्रेटजी प्रोफाइल को हम लिखने का एक अलग से तरीका है, इसको ध्यान से समझिए आप। जैसे कि मान लीजिए मैंने स्ट्रेटजी प्रोफाइल लिखी एस आई प्लेयर की, आईएथ प्लेयर की, तो इसका नोटेशन जो मैं करूंगा, इसका नोटेशन होगा एस एस आई, यानी कि व्हाट डू यू कॉल इट स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर आईएथ एंड स्ट्रेटजी ऑफ ऑल प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम आईएथ, नेगेटिव आई। जो नेगेटिव आई के साथ मैंने ये लिखा है, ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स और प्लेयर्स देन प्लेयर आईएथ, आईएथ प्लेयर के अलावा जो बाकी के प्लेयर है उनकी स्ट्रेटजी। यानी कि अगर मान लीजिए मैं स्ट्रेटजी प्रोफाइल लिख रहा हूं, तो ये प्लेयर हमारे केस में क्या हो जाएगा कि अगर मैं फर्स्ट प्लेयर की स्ट्रेटजी प्रोफाइल लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट प्लेयर की स्ट्रेटजी पहले आएगी और आई नेगेटिव वन हमारा जो है वो सेकंड प्लेयर है, और एस वन जो हमारा है ये फर्स्ट प्लेयर हो गया। तो किस तरह से करेंगे स्ट्रेटजी प्रोफाइल में कि हमारे फर्स्ट प्लेयर ने क्विट चला, या मान लीजिए हम यहां से चलते हैं, फर्स्ट प्लेयर ने फिंक किया तो सेकंड प्लेयर की क्विट रही, तो उसकी स्ट्रेटजी प्रोफाइल में पहला सेट आ जाएगा फिंक कोमा क्विट। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्लेयर वन का है, यानी कि प्रिजनर वन का है, जो सेकंड एलिमेंट है ये प्रिजनर टू का है। इज दैट ओके? फर्स्ट
फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्रिजनर वन की है, सेकंड प्रिजनर टू की है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसकी नोटेशन इस तरह से है। हमारे केस में क्योंकि दो ही प्लेयर हैं तो एस एस आई नेगेटिव का मतलब है एक तरीके से अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्लेयर, जिसकी हम स्ट्रेटेजी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा, इस स्ट्रेटेजी प्रोफाइल में, प्लेयर वन की स्ट्रेटेजी प्रोफाइल में पहला ये आ गया। दूसरी इंडेक्सिंग क्या होगी कि फर्स्ट क्विट कर रहा है तो सेकंड भी क्विट चल रहा है, तो इसका मतलब यहां हम लिख देंगे क्या, स्ट्रेटेजी प्रोफाइल फर्स्ट की में आ जाएगी क्यू कॉमा क्यू, कि ये भी क्विट कर रहा है, ये भी क्विट कर रहा है। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट क्या आ जाएगा कि मान लीजिए ये फिंक कर रहा है, ये भी फिंक कर रहा है, तो थर्ड एलिमेंट स्ट्रेटेजी प्रोफाइल में क्या आ जाएगा, फिंक कॉमा फिंक। इसी तरीके से फोर्थ एलिमेंट क्या आ जाएगा कि ये क्विट कर रहा है और ये फिंक कर रहा है, यानी कि पहला प्लेयर क्विट कर रहा है, दूसरा प्लेयर फिंक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गया, क्विट कोमा फिंक। ये हमने स्ट्रेटजी प्रोफाइल प्लेयर वन की मार्क की, जिसको आप जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि एस आई इज समथिंग लाइक एस आई कोमा एस नेगेटिव ऑफ आई, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। और ये इसकी स्पेसिफिक फॉर्म होगी, यानी कि इसको स्पेसिफिकली अगर मुझे एस आई लिखना है तो मैं यहां लिख दूंगा, एस वन लिखना है तो मैं इसको कैसे मार्क करूंगा स्ट्रेटजी प्रोफाइल को, मुझे एस वन लिखना है तो मैं करूंगा एस वन की स्ट्रेटजी प्रोफाइल मार्क करने का होगा क्या, एस वन कोमा एस टू, यानी कि फर्स्ट की स्ट्रेटजी फिर सेकेंड प्लेयर की स्ट्रेटजी। इसको आपकी जो रीडिंग्स हैं और मार्टिन जे ऑसबॉर्न जो रीडिंग है आपकी बुक है, उसमें एक्शन प्रोफाइल के नाम से लिखा गया है, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई इज नथिंग बट ए आई कोमा ए नेगेटिव ऑफ आई, ये आपको मानकर चलना है, और बस इसी तरह से रैंक, इसी तरह से आई मीन टू से रिप्रेजेंट करना है। ये प्लेयर वन की है। अब ऐसे ही अगर प्लेयर टू की स्ट्रेटजी प्रोफाइल लिखनी हो तो वहां पर भी जनरल तो फॉर्म हम ऐसे ही लिखेंगे कि एस आई इज इक्वल्स टू एस आई कोमा एस आई नेगेटिव, पर जब मैं ये सेकंड प्लेयर के रेफरेंस में ये प्रोफाइल लिखूंगा तो मेरी जो मार्किंग होगी वो क्या होगी, एस टू पहले आएगा और एस वन बाद में आएगा, यानी कि जिस प्लेयर की प्रोफाइल हम लिख रहे हैं उसका एक्शन आगे प्रोफाइल का और दूसरे प्लेयर का एक्शन बाद में, यानी कि यहां पर सेकंड प्लेयर की स्ट्रेटजी प्रोफाइल लिखने में ये आई की वैल्यू टू बन गई, तो यहां पर भी एस आई टू होगा और ये एस आई नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी कि एस आई का मतलब है यहाँ एस टू से और एस नेगेटिव आई का मतलब है एस वन से, कि जब सेकंड प्लेयर के रेफरेंस में हम स्ट्रेटजी प्रोफाइल को लिखेंगे तो सेकंड प्लेयर के रेफरेंस में हम नोटेशन करेंगे तो सेकंड प्लेयर के रेफरेंस में सेकंड जो फर्स्ट प्लेयर है वो अदर प्लेयर है, तो यानी कि ऑसबॉर्न के रेफरेंस में अगर हम देखें तो उसकी नोटेशन आई ए आई और ए आई कोमा ए ऑफ नेगेटिव आई होगी, यानी कि यहां पर ए टू इज इक्वल्स टू होगा ए टू कोमा ए वन, इस तरह से प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी हम कर सकते हैं, जैसे ये क्विट चल रहा है ये क्विट, ये फिंक चल रहा है ये क्विट, ये क्विट ये फिंक, ये फिंक ये क्विट, तो इसकी भी स्ट्रेटजी प्रोफाइल अगर हम लिखेंगे तो सेम यही बन जाएगी जो स्ट्रेटजी प्रोफाइल इसकी बनी है। कारण क्या है, कारण उसका ये है क्योंकि दोनों प्लेयर्स के पास इस गेम में सेम ही स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, ये भी क्विट और फिंक कर रहा है, ये भी क्विट और फिंक कर रहा है, तो इसलिए दोनों की इस गेम में, पर्टिकुलरली इस गेम में स्ट्रेटजी प्रोफाइल जो सेकंड प्लेयर की हम लिखेंगे तो सेकंड प्लेयर की स्ट्रेटजी प्रोफाइल में भी ऐसे ही लिखा जाएगा क्या, कि आप लिखोगे फिंक कोमा क्विट कोमा क्विट कोमा क्विट कोमा फिंक कोमा फिंक
कॉमा व्हाट डू कॉल इट फिंक क्विट कॉमा फिंक, ये ही स्ट्रेटजी प्रोफाइल लिखी जाएंगी प्लेयर टू की भी। प्लेयर टू की भी इसी तरह से ये स्ट्रेटजी प्रोफाइल बनकर सामने आएंगी। क्यों आएंगी सेम प्रोफाइल? क्योंकि यहां पर हमारे पास दोनों प्लेयर के पास सेम स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, इसलिए दोनों की प्रोफाइल भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, हालांकि मैंने इनका मतलब बता दिया कि किस तरह से किसको लिखते हैं, स्ट्रेटजी सेट और स्ट्रेटजी प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। मैं ये आशा रखता हूं कि इतना बताने के बाद आपको ये समझ आया होगा या समझ आ जाएगा अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पेशेंटली इसको देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या, हमने अब समझ लिया स्ट्रेटजी स्पेस का मतलब क्या है, स्ट्रेटजी सेट या एक्शन सेट का मतलब क्या है, स्ट्रेटजी प्रोफाइल या एक्शन प्रोफाइल का मतलब क्या है। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया कि एक्शन प्रोफाइल और एक्शन सेट में क्या डिफरेंस है, या स्ट्रेटजी प्रोफाइल या सेट स्ट्रेटजी सेट में क्या डिफरेंस है। अब आता है थर्ड एलिमेंट विच इज नेसेसरली टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर इज, एक कंसेप्ट होता है पे ऑफ फंक्शन। पे ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है? पे ऑफ फंक्शन क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द पे ऑफ और द आउटकम इंजॉयड और यू कैन से रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर प्लेयर अगेंस्ट द एक्शन और यू कैन से द स्ट्रेटजी टेकन बाय बाय हिम और हर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, पे ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, पे ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट करता है आउटकम को। आउटकम मतलब कि जो रिजल्ट आया है, यानी कि एक्शन लेने के बदले में जो भी उस प्लेयर को रिसीव हुआ है, चाहे वो अच्छी चीज कम रिसीव हुआ चाहे ज्यादा रिसीव हुआ, जो भी उसका रिजल्ट आया है, जो भी उसका पे ऑफ आया, जो भी आउटकम आया है, वो आउटकम को रिप्रेजेंट करता है पे ऑफ फंक्शन। किसके अगेंस्ट आउटकम? जो भी स्ट्रेटेजी या एक्शन उसने लिया है। जैसे हमारे केस में, मैं ये बार बार मुझे ऊपर स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो इसलिए मैं इस गेम को दोबारा से यहां लिख देता हूं जस्ट फॉर द सेक कि हम इसको बार बार ऊपर मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े और इसको हम फटाफट यहीं पर समझ लें। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिजनर सेकेंड, हेयर इज प्रिजनर वन, द सेम स्ट्रेटजीज आर देयर, क्विट एंड फिंक, ही इज ऑल्सो हैविंग द सेम स्ट्रेटजीज, क्विट एंड फिंक एंड द पे ऑफ्स एज पर द गेम मेंशन्ड आर एज फॉलोज। क्या है हमारे पास, पे ऑफ्स थे हमारे पास 1,1, देन 0,4, 4,0 एंड देन 3,3 गेम में रिप्रेजेंट। अब पे ऑफ फंक्शन में क्या है ये समझना जरूरी है आपके लिए। पे ऑफ फंक्शन, पे ऑफ फंक्शन को हम यू आई से डिनोट करते हैं या म्यू आई से डिनोट करते हैं। यू आई या म्यू आई का मतलब यहां पर है, आई स्टैंड्स फॉर द इंडेक्सिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि हम पहले ले चुके हैं कि पार्टिसिपेंट्स क्या है। यू हेयर रिप्रेजेंट्स द यूटिलिटी, यूटिलिटी के लिए है। एक्चुअली क्या है, सिंबॉलिकली यू यूज किया गया है कि भाई जो आउटकम मिलेगा उस आउटकम से अल्टीमेटली जो भी पार्टिसिपेंट होगा उसको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा इसलिए उस आउटकम को हमने यूटिलिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने यू यूज किया। अदरवाइज कुछ और भी वेरिएबल यूज किया जा सकता है।
क्योंकि ज्यादातर कन्वेंशनली जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे वहां पर पे ऑफ फंक्शन को यूआई से ही डिनोट किया जाता है, इसलिए मैंने भी इसको यूआई ही लिखा है यहां पर। इज दैट ओके? यूआई का मतलब मैंने बता दिया यूटिलिटी। तो कैसे लिखेंगे? यूआई विद इन ब्रेसिस एआई कोमा ए नेगेटिव आई, मतलब कि प्लेयर वन ने जो स्ट्रेटेजी एक्शन लिया किसके अगेंस्ट और प्लेयर टू ने जो एक्शन लिया उस पर बेस्ड क्या आउटकम मिला एक पर्टिकुलर प्लेयर को, वो उसकी व्हाट डू यू कॉल इट पे ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जनरल फॉर्म ऑफ पे ऑफ फंक्शन है, ये जनरल फॉर्म हो गई, ये जनरल फॉर्म हो गई पे ऑफ फंक्शन की। मतलब अगर मुझे फर्स्ट प्लेयर का पे ऑफ देखना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? एक्शन टेकन बाय फर्स्ट प्लेयर अगेंस्ट द एक्शन टेकन बाय सेकंड प्लेयर। एआई मतलब अदर प्लेयर। मैंने ऊपर बताया, मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, आप इसको मानकर चलिए कि नेगेटिव आई का मतलब है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्शंस ऑफ आईथ प्लेयर, ऑल अदर प्लेयर्स देन द आईथ प्लेयर। आईथ प्लेयर को छोड़कर बाकी प्लेयर जो भी हैं, पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं। तो हमारे यहां पर दो ही पार्टिसिपेंट है, वन और टू। तो यहां मैं S1 और S2 भी लिख सकता हूं, बट क्योंकि आपकी जो रीडिंग्स हैं उसमें A1 और A2 यानी कि AI से डिनोट किया हुआ है जैसा मैंने ऊपर बताया है, एक्शन और स्ट्रेटेजीज को इंटरचेंजेबली यूज किया गया, तो इसलिए मैंने ये वन लिखा है। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी प्रोफाइल पे ऑफ फंक्शन बन गया फर्स्ट का। सेकंड का पे ऑफ फंक्शन क्या होगा ये यहां लिखेंगे, तो यहाँ ये टू हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। इज दैट ओके? ये सेकंड का पे ऑफ फंक्शन हम इस तरह से लिखेंगे। तो अब मैं बताता हूं कि अगर प्लेयर वन के पे ऑफ फंक्शन हम लिखें तो उनको हम कैसे लिस्ट आउट कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि इसकी नोटेशन हमें कैसे करनी है, कैसे पे ऑफ फंक्शन को डिनोट करना है एक गेम में। ठीक है, अभी हम गेम को एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि गेम में इक्विलिब्रियम कब आएगा, कौन सा प्लेयर क्या चलेगा तो उसके लिए बेहतर है, क्या चलने पर क्या होगा क्या नहीं होगा, हम उसका गेम के कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे हैं अभी। हम आज की क्लास में हम सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गेम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमें उस गेम को रीड कैसे करना है और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है और उस गेम से आप उन टर्म्स को, उन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले लिखता हूं पे ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्रिजनर वन। हमारे केस में प्रिजनर है तो प्रिजनर वन के पे ऑफ फंक्शन क्या बता रहा है? प्रिजनर वन का पे ऑफ फंक्शन बता रहा है यहां पर, ध्यान से देखिए, कि अगर प्लेयर वन का फर्स्ट एक्शन थिंक है और प्लेयर टू का एक्शन क्विट है, ध्यान से समझना मेरी बात, प्लेयर वन का एक्शन थिंक अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्लेयर टू एज अ क्विट, कि प्लेयर वन अगर फिंक करे और प्लेयर टू क्विट करे तो प्लेयर वन का पे ऑफ क्या रहेगा? 0 ईयर्स ऑफ प्रिजन, यानी कि जीरो हो गया हमारा यहां पर। ठीक है, इसी तरह प्लेयर वन का एक पे ऑफ फंक्शन के हिसाब से पे ऑफ क्या रहेगा कि प्लेयर वन अगर व्हाट डू यू कॉल इट क्विट करे और प्लेयर टू भी अगर क्विट करता है तो उसका पे ऑफ क्या होगा? वन। तो यानी कि यू क्यू कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू वन। इज दैट ओके? इसी तरीके से प्लेयर वन अगर क्विट करे सॉरी फिंक करे और प्लेयर टू भी फिंक करे तो प्लेयर वन का आउटकम क्या होगा? 3। उसका पे ऑफ क्या होगा? 3। तो फिंक कोमा फिंक इज इक्वल्स टू 3 हो गया यहां पर। इसी तरीके से यू वन यहां पर है
तो यहां पर U1 नेक्स्ट क्या बन जाएगा कि ये क्विट करे और ये फिंक करे, तो इसका पे ऑफ क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पे ऑफ फंक्शन फॉर प्लेयर वन। सिमिलरली पे ऑफ फंक्शन ऑफ प्रिजनर टू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। अब जब हम प्लेयर टू का पे ऑफ फंक्शन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहली स्ट्रेटेजी होगी प्लेयर टू की होगी और दूसरी स्ट्रेटेजी प्लेयर वन की होगी, यानी कि पहला एक्शन प्लेयर टू का अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्लेयर वन, और उसके बदले उसको क्या मिला। जैसे कि मान लीजिए प्लेयर वन अगर व्हाट डू यू कॉल इट फिंक करता है, मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं इसके लिए जस्ट टू मेक द क्लियर डिस्टिंक्शन। मान लीजिए प्लेयर टू अगर फिंक करे और प्लेयर वन अगर क्विट करे तो प्लेयर टू को 0 ईयर्स ऑफ प्रिजन मिलेगा, यानी कि इसकी स्ट्रेटेजी फिंक क्विट। देखो यहां पर भी फिंक क्विट नजर आ रही है, ये दोनों की सेम क्यों बन रही है, दोनों के पास क्योंकि सेम स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं, इसलिए इनका ये सेम एक तरीके से सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अलग अलग होंगी तो वो अलग अलग तरह का होगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं इसमें, बट फिलहाल के लिए आप समझिए कि आपको ऐसा लग रहा होगा तो सेम सेम ही आ रहा है। तो सेम सेम आने के पीछे रीजन है क्यों, क्योंकि दोनों के पास सेम तरह की स्ट्रेटेजीज हैं और हर स्ट्रेटेजी का सेम तरह का आउटकम है। क्यों, क्योंकि जो हमें गेम गिवन है, मैं बार बार उस चीज को कह रहा हूं कि जो गेम गिवन है, गेम के जो रूल्स गिवन है, इस प्रिजनर डिलेमा की गेम स्पेसिफिकली यहां पर के जो रूल्स गिवन है, उस उन रूल्स के हिसाब से हमारी जो स्ट्रेटेजी के जो प्रोफाइल्स हैं वो सिमेट्रिक आ रही हैं, ये देखो आप यहां पर। तो ये भी मैं आपको बताने, एक ये भी एलिमेंट है इस गेम का कि सिमेट्रिक होते हैं प्रोफाइल, यानी कि क्यों, क्योंकि दोनों के पास सेम तरह की एक्शंस अवेलेबल हैं और उन एक्शन के अगेंस्ट सेम तरह के रिजल्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं, यानी कि आउटकम भी उनका सेम ही रहता है। ये देखो ये रहा यहां पर, सॉरी सॉरी, ये टू ही लिखा जाएगा यहाँ पर, और ये टू, ये हो गया क्विट फिंक, तो ये भी क्या आ जाएगा, 4। आप देखिए यहाँ पर सेम वही चल रहा है, 0 1 3 4, ठीक है। तो सेम वही मार्क कर दिए मैंने, जस्ट क्या बताया कि स्ट्रेटेजी प्रोफाइल आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पे ऑफ फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखो यहां पर क्या है, नेक्स्ट जो एलिमेंट निकल कर आ रहा है, द प्रिजनर्स प्रिजनर्स डेलिमा जो गेम है ये क्या है, इट इज सिमेट्रिक इन नेचर। ये नेचर में सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि आप एक प्लेयर के पे ऑफ और दूसरे प्लेयर के पे ऑफ सेम रहेंगे, एक प्लेयर की स्ट्रेटेजी प्रोफाइल और दूसरे प्लेयर की स्ट्रेटेजी प्रोफाइल भी सेम रहेंगी। अब क्योंकि सेम रहेंगी इसलिए इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लेयर टू को मैं प्लेयर वन की जगह लिखूं और प्लेयर वन को प्लेयर टू की जगह लिखूं तो दैट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, उससे कोई डिफरेंस बदलने वाला नहीं है, उससे ये पे ऑफ मैट्रिक्स में बदलाव नहीं आएगा, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि इस तरह की गेम में दोनों की स्ट्रेटेजी सेट सेम है, स्ट्रेटेजी प्रोफाइल सेम है, पे ऑफ फंक्शन सेम है। भाई सिमेट्रिक क्यों है, सिमेट्रिक इसलिए है बिकॉज बिकॉज बोथ प्लेयर्स, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू सो दैट कि आप इस बात को ध्यान में रखें, ऑब्जर्वेशन को, बिकॉज बोथ प्लेयर्स हैव व्हाट, नंबर वन, फर्स्ट चीज, सेम स्ट्रेटजी सेट, स्ट्रेटजी सेट या एक्शन सेट उनके पास सेम है,
ये मैं एक्शन सेट टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक्शन सेट का मतलब क्या है। अब मैं यही टर्म्स आगे जो भी गेम मैं आपके साथ एग्जांपल्स इसके या कोई भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे सिचुएशन को, तो मैं ये टर्म्स यूज करूंगा बार बार। और बार बार आपको ये टर्म्स यूज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जो भी वीडियो देखें उसमें ये टर्म्स बार बार आपके माइंड में स्ट्राइक करे और आपको क्लैरिटी रहे किसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, और कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी लैंग्वेज को आप आसानी से डिकोड कर सकते हैं गेम को समझने के लिए। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी सेट है। क्या है? क्विट और थिंक, दो ही स्ट्रेटेजी सेट है। सेकंड क्या है? सेम स्ट्रेटेजी प्रोफाइल या एक्शन प्रोफाइल भी दोनों का सेम है। स्ट्रेटेजी प्रोफाइल भी सेम है और एक्शन प्रोफाइल भी सेम है। तीसरी चीज क्या है? सेम सेम पे ऑफ फंक्शन। आप ये देखो, अभी हमने ऊपर देखा है कि पे ऑफ फंक्शन भी सेम आ रहे हैं कि सेम तरह की स्ट्रेटेजी एक्शन लेने पर अगेंस्ट तो पे ऑफ भी एक जैसे मिल रहे हैं। इसको भी जीरो मिल रहे हैं फिंक क्विट में, इसको भी जीरो ही मिल रहा है। इसको भी वन मिल रहा है क्विट क्विट में, इसको भी वन ही आउटकम मिल रहा है। इसको भी 3 ईयर्स है, इसको भी 3 ईयर्स है, इसको भी 4 ईयर्स है, इसको भी 4 ईयर्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि यहां पर दोनों प्लेयर की या जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे पास यहां दो ही हैं, तो दोनों पार्टिसिपेंट्स के स्ट्रेटजी सेट, स्ट्रेटजी प्रोफाइल और पे ऑफ फंक्शन सेम है, इसलिए गेम कैसी है? सिमेट्रिक गेम है इन नेचर में, गेम सिमेट्रिक है यहां पर। आई होप ये आपको समझ आया होगा सिमेट्रिक नेचर का मतलब क्या है। अब सिमेट्रिक है तो इसलिए प्लेयर वन की जगह प्लेयर टू लिखो, प्लेयर टू की जगह प्लेयर वन लिखोगे, उनके पोजीशंस को अगर चेंज करोगे तो उससे आउटकम पे या इस पे ऑफ मैट्रिक्स में आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन उसके प्लेस चेंज करने से ना तो स्ट्रेटजी सेट बदलने वाला है, ना स्ट्रेटजी प्रोफाइल बदलने वाली है, ना पे ऑफ फंक्शन बदलने वाला है। जैसे मैं आपको एक कंट्रास्टिव एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैंने यहां लिया, अब मान लीजिए मैं प्लेयर टू को यहां लिखूं, प्लेयर वन को यहां लिख दूं, तो प्लेयर टू की एक्शन प्रोफाइल में तो ये एक्शन सेट में ये आ जाएगा, प्लेयर वन के एक्शन सेट में ये हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर अलग अलग होंगे तो वो सिमेट्रिक नहीं रहा ना, फिर वहां पर दोनों के एक्शंस अलग अलग हैं, दोनों के पास अलग अलग तरह के एक्शंस हैं, तो उनके रिजल्ट भी अलग अलग होंगे। तो इनकी अगर पोजीशन को आप इंटरचेंज करोगे, प्लेयर टू की जगह प्लेयर वन और प्लेयर वन की जगह प्लेयर टू लिखोगे, तो मैट्रिक्स को भी आपको पूरी की पूरी चेंज करना पड़ेगा। यहां पर पूरी मैट्रिक्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप पी पी वन की जगह पी टू लिखो, पी टू की जगह पी वन लिखिए, आपकी एक्शन प्रोफाइल और स्ट्रेटजी प्रोफाइल और स्ट्रेटजी सेट सारा सेम रहेगा, वो बदलने की जरूरत नहीं है। पे ऑफ सारे सेम रहेंगे, बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये प्रिजनर्स डिलीमा क्या है? सिमेट्रिक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये समझ आया होगा कि भाई स्ट्रेटजी सिमेट्रिक नेचर का मतलब क्या है प्रिजनर्स डिलीमा गेम के। अब नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है या जिसको हमने पढ़ना है या जिसको हमें समझना है कि ईच प्लेयर हैव प्रेफरेंसेस। क्या है? ईच प्लेयर हैज, और यू कैन से द हैव प्रेफरेंसेस ओवर द सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स। अब ये ध्यान से समझना मेरी बात, यानी कि क्योंकि हम प्रिजनर डिलेमा गेम को स्टडी कर रहे हैं और नॉर्मल फॉर्म गेम को स्टडी कर रहे हैं जिनको आप स्ट्रेटजिक गेम्स भी कहते हैं, और यहां प्रिजनर डिलेमा की गेम को हम देख रहे हैं, तो हर जो प्लेयर है वो अपने स्ट्रेटजी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस को की प्रेफरेंसेस डिसाइड करता है।
प्रेफरेंसेस डिसाइड करने का मतलब है वो ये डिसाइड करता है कि किस तरह के एक्शन को कौन से एक्शन लेने से तो उसको ज्यादा फायदा हो रहा है और कौन से एक्शन लेने को उसे फायदा कम हो रहा है, यानी कि उसको किस में बेनिफिट है किस में लॉस है, वो रैशनली ये डिसीजन ले रहा है। अब क्योंकि वो रैशनली ये डिसीजन ले रहा है इसलिए क्या है कि वो प्लेयर के जो पे ऑफ फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के को हमने यूटिलिटी से रिप्रेजेंट किया है, यू से रिप्रेजेंट किया है। जब मैं कह रहा हूं प्रेफरेंसेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूटिलिटी से, तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेफरेंसेस आर ऑर्डिनल इन नेचर, कि प्रेफरेंसेस ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल मतलब कैन बी रैंक्ड, कि आप प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकते हैं। रैंक करने का मतलब है कि एक्चुअल में उस आउटकम की वैल्यू क्या है वो वैल्यू मैटर नहीं करती है, उसका ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि सजा यहां कम है फिर उससे ज्यादा सजा है, उससे ज्यादा सजा है फिर उससे ज्यादा सजा है। तो अगर प्लेयर वन के प्रेफरेंस ऑर्डरिंग हम देखें तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस एक्शन क्या रहेगा, जैसे मैं फिर से पेन डाउन कर रहा हूं उसके कि फिंक और क्विट वो कर रहा है तो कोई सजा नहीं मिल रही, जब वो क्विट क्विट कर रहा है तो उसकी 1 साल की सजा है, जब वो मान लीजिए एक तरीके से फिंक फिंक अगर दोनों कर देते हैं तो 3 साल की सजा है, और अगर एक तरीके से क्विट करता है और सामने वाला फिंक करता है तो उसको 4 साल की सजा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये आउटकम है यहां पर वो जो ऑर्डरिंग करेगा, तो हम मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रेफरेंस ऑर्डरिंग ऑफ प्रिजनर वन। फर्स्ट प्रिजनर की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग क्या है कि उसकी पहली प्रेफरेंस रहेगी क्या कि वो फिंक करना पसंद करेगा और ये सोचेगा कि सामने वाला क्विट करे, ठीक है, वो खुद फिंक करेगा और सामने वाला क्विट करे, क्यों, क्योंकि ऐसा करने पर उसे 1 भी साल की सजा नहीं होगी, वो फ्री हो जाएगा, तो उसकी प्रेफरेंस में ये हो गया, ये ग्रेटर यूटिलिटी देगा उसे, ये तुलनात्मक उसकी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग में आगे रहेगी ये चीज, ये उसे ग्रेटर यूटिलिटी देगी, क्यों, क्योंकि उसको तो सजा हो ही नहीं रही है, ठीक है जी। यहां पर यूटिलिटी मैं कह रहा हूं तो आप इसको ये मानकर मत चलिए ये तो जीरो लिखा है तो जीरो कैसे यूटिलिटी उसकी हो गई यहां पर, क्योंकि जो पे ऑफ्स हैं, अब ये एक बात मैं यहां पर मेंशन कर दूं कि जो पे ऑफ्स हैं, मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में कि पे ऑफ कैन बी नेगेटिव, पे ऑफ कैन बी पॉजिटिव, याद कीजिए फर्स्ट क्लास जो थी, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि पे ऑफ का मतलब है आउटकम, आउटकम पॉजिटिव भी हो सकता है आउटकम नेगेटिव भी हो सकता है। अब क्योंकि यहां पर हमारी जो गेम है इसमें आउटकम प्रिजन है, यानी कि सजा होनी है उन्हें, और सजा होना कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है, वो नेगेटिव इंडिकेशन है, वो नेगेटिव आउटकम है, तो क्योंकि हमारा पे ऑफ जो है यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब सजा हमें यहां पर हो रही है, तो उस सेंस में नेगेटिव है, यानी कि वो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो इसलिए सजा जितनी कम होगी उतना बेहतर है, तो इसलिए इस आउटकम को प्रेफर किया गया है कि उसको सजा नहीं हो रही है तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर पे रखेगा, ये रैंक पे रखेगा कि वो क्विट करे और सामने वाला भी क्विट करे तो 1-1 साल की सजा होगी, 1 साल की सजा होगी उसको। इसी तरीके से थर्ड नंबर की रैंक जो करेगा फिंक फिंक की, पहले वाला भी एक तरीके से मुंह खोल दे और दूसरे वाला भी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाए, तो क्यों, क्योंकि उसमें उसको 3 साल की सजा हो रही है सिर्फ। तो ये इस पे ऑफ को वो ज्यादा प्रेफर करेगा, और जो लास्ट है वो है जब उसे रिप्रेजेंट
वो क्विट रहता और सामने वाला सरकारी गांव बन जाए तो 4 साल की सजा होगी। तो अब सिंपल सी बात है, आप एक रैशनल थिंकर के हिसाब से देखिए, जिस जिस स्ट्रेटजी प्रोफाइल से, जिस एक्शन प्रोफाइल से आपका आउटकम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। यहां पर मैक्सिमम का मतलब क्या है, मिनिमम सजा इज अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव हमारे पे ऑफ्स हैं इस गेम में, नेगेटिव पे ऑफ्स हैं। तो इसलिए क्या है कि जो सबसे कम सजा है उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, फिर उससे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो ये क्या किया, प्लेयर वन ने अपनी ऑर्डरिंग कर दी, और क्योंकि दोनों प्लेयर के यूटिलिटी प्रोफाइल, स्ट्रेटजी एक्शन सेट, एक्शन प्रोफाइल स्ट्रेटजी सेट, स्ट्रेटजी प्रोफाइल सब सेम है, क्योंकि गेम सिमेट्रिक है, तो इसलिए सेकंड प्लेयर की भी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग यही रहेगी। अगर आप प्रेफरेंस ऑर्डरिंग लिखें ऑफ प्रिजनर सेकंड, तो सेम तरह की प्रेफरेंस ऑर्डरिंग आएगी, बस उसमें क्या होगा, उसमें हम इनके हिसाब से ऑर्डर करेंगे। तो उसमें रीड करेंगे जब पहले वाली स्ट्रेटजी सेकंड की सेकंड प्लेयर थिंक कर रहा है और फर्स्ट प्लेयर क्विट कर रहा है, तो सेकंड प्लेयर को कोई सजा नहीं होगी। ये देखिए यहां पर, ये टेबल है यहां पर, अगर सेकंड प्लेयर थिंक कर रहा है और फर्स्ट प्लेयर क्विट कर रहा है, तो सेकंड प्लेयर को कोई सजा नहीं होगी, जीरो जीरो ईयर्स ऑफ प्रिजन है यहां पर, ठीक है? तो इसकी भी स्ट्रेटजी प्रोफाइल और सॉरी प्रेफरेंस ऑर्डरिंग यही रहेगी, बेस्ड अपॉन द एक्शन और एक्शंस, और यू कैन से द पे ऑफ फंक्शंस, राइट? सेम स्ट्रेटजी प्रोफाइल इसकी भी बनेगी, सिमेट्रिक रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी गेम सिमेट्रिक है यहां पर। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, जो भी इस वीडियो को देखेगा, कि उसको गेम थ्योरी के बेसिक्स या गेम थ्योरी के क्वेश्चंस करने में, पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देखिए यहां पर जो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग है वो इस तरह से की गई है। तो प्रेफरेंस ऑर्डरिंग दोनों प्लेयर की यहां सेम आई है। सेम क्यों आई है, क्योंकि गेम क्या है, सिमेट्रिक है नेचर में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स किसी भी गेम को एनालाइज करने के लिए, उसकी लैंग्वेज की, गेम को हम कैसे पढ़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, उनका क्या मतलब है, उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, किसी गेम को एनालाइज करने के लिए हम किस तरह से उसको, हम एक वर्ड प्रॉब्लम में जो गेम हमें दे रखी है उसको किस तरह से हम नॉर्मल फॉर्म गेम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस नॉर्मल फॉर्म गेम को हम कैसे रीड करेंगे, किसका क्या मतलब है। मैंने ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। तो जो लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और जो ये सीरीज वीडियो की मैं शुरू की है, अगर इन सीरीज को आप फॉलो करेंगे और ऑनेस्टली जिस तरह से आप अपनी क्लास को अटेंड करते हैं उसी तरह से अगर इन वीडियोस को देखेंगे आप, तो फॉर श्योर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी, समझते जाएंगे आप गेम थ्योरी के अपने इस सब्जेक्ट को, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वेश्चन करने की तरीके में आपके इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके एग्जाम के रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आएगा, चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, चाहे आप अपना यूनिवर्सिटी का जो टर्मिनल एग्जाम है उसको दें, उसमें आपको बेहतर मिलेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं, कि आज के लिए इतना काफी है, और मैं आशा रखता हूं कि जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जो लोग देख रहे होंगे, वो और भी उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि और लोगों को इससे बेनिफिट पहुंच सके। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट लिख सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि मैं उस कमेंट का आंसर दूं। उसका रीजन ये है कि मेरा जो बिजी शेड्यूल है उसमें टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, पर हाँ मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा जरूर, और उनमें अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको अपने अगले वीडियो में उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, कि अगर मेरे पास कोई कमेंट या कोई क्वेरी नेक्स्ट वीडियो रिलीज करने से पहले आ गया, जो कि मैं 3 4 दिन में आने वाले, ये 2 4 दिन में मैं रिलीज करूंगा, तो उससे पहले मैं कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन,
That's it for the all. Thank you.